आबिर सहार यहाँ से पानी गर्दन थोप तुलिया कहल श्रीनगर में रहने वाले लोग हैं और आप जो पुलवामा में रहने वाले लोग हैं, हमारा ये रिश्ता और मजबूत हो गया है। लेकिन अब मेरा और तंजीम का फर्ज बनता है कि आगे जाके जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, हमें उम्मीदवार यहाँ से वो देना होगा जो पुलवामा जिले का भी ख्याल रखेगा, जो पुलवामा असेंबली हल्के का ख्याल रखेगा, करने के लिए पहुंचा सकेगा। यहाँ रोजमर्रा के तकलीफें हैं, मुश्किलात हैं, उनको कम करने में उनका रोल जो है वो और ज्यादा अहम हो जाता है। तो इस बार बहुत सोच जिस जमीन का मालिकाना हक हमें मिला बिना एक करोड़ पैसा मुआवजा हमसे लिए हुए, वो तभी मुमकिन हुआ जब 370 जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चों को बच्चियों को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त तालीम पर हाम किया जाता, वो तभी मुमकिन बना जब जम्मू कश्मीर में 370 था। इसी तरह तरह की और बातें की जा सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में तब मुमकिन हुए, चाहे सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी चीजें। लेकिन जहां हम से पूछते हैं कि 370 से जम्मू कश्मीर को क्या फायदा हुआ, वहीं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या मिला। बैठे बैठे मुझे हुकूमत के अफसर ने रोजगार का आंकड़ा बढ़ा दिया, आज मैं सरकारी प्राइसों कर रहा हूं। क्या एक भी ऐसा नया फैक्ट्री खुला जिससे हमारे बच्चे कारोबार कर रहे हैं? क्या एक नया अस्पताल खुला जहां हमारे मरीज इलाज हासिल कर रहे हैं बीजेपी को दूर रखने के लिए? लेकिन फिर यहाँ सरकारें बनी बीजेपी के साथ। उस टाइम एक स्लोगन दिया गया मरहूम मुफ्ती सईद साहब ने कि साउथ पोल नॉर्थ पोल, जब तक हम साउथ पोल नॉर्थ पोल को इकट्ठे नहीं मिलाएंगे तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। अगर आपको याद होगा उस टाइम उमर अब्दुल्ला साहब ने, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को कि हमें सरकार नहीं चाहिए, सरकार आप चलाइए लेकिन बीजेपी को थोड़ा दूर रखिए। तो इन्होंने बोला नहीं, हमें हिंदुस्तान के साथ, हमें हिंदुस्तान की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, बीजेपी के साथ हमें इनके साथ जाना चाहिए। तो लोगों ने दे दिया, लोगों ने सपोर्ट किया, चलो जी ठीक है। तो उसका रिजल्ट लोगों के सामने आ गया। आज की डेट में लोग वेल एजुकेटेड है, अब सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन आज की डेट में बहुत ज्यादा है। तो लोगों को पता चला कि नहीं, अगर कश्मीरियों की कोई पहचान है, अगर कश्मीरियों की कोई आइडेंटिटी है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है, वो ये हाल वाला झंडा ही है, क्योंकि इस झंडे की कुर्बानी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है। तहरीक में उतार चढ़ाव आता है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी सख्ती कभी वो, ये आता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि इस लीडरशिप में, जो लीडरशिप में हमें आज की डेट में उमर अब्दुल्ला साहब, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा, आपने देखा होगा जब उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, जब यहाँ पर किलिंग्स हो गई तो उमर साहब ने उस टाइम कैसे रोया असेंबली में कि मैं इन लोगों को कौन सा जवाब दे दूंगा जिनके बच्चे मर गए, 120 लोग जिनके मर गए, मैं उनको कौन सा जवाब दूंगा जबकि मेरे भी दो बच्चे हैं।